नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है और मैं मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल अस्पताल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में डिस्कशन करूंगा। टेस्टिकुलर कैंसर आमतौर पर यंग मेल्स में पाया जाता है। सेकेंड, थर्ड या एट द मोस्ट फोर्थ डेकेड ऑफ लाइफ में ये बीमारी होती है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है इस बीमारी की, तो फर्स्ट थिंग जो हम आपको एडवाइस करेंगे इज सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, या आप खुद अपनी टेस्टिस का रेगुलर एग्जामिनेशन करें। अगर कभी भी आप ये पाए कि आपके अंडाशय में कोई सूजन है या टेस्टिस बड़े हो गए हैं, तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाना, उसके सेंसेशन कम हो जाना, यानी कि जो टेस्टिस को दबाने पर दर्द होता है वो कम हो जाना, कैंसर का सिम्टम है। आपके यूरोलॉजिस्ट आपकी जांच करेंगे और आपको कुछ टेस्ट सुझाएंगे। आमतौर पर तीन बायोकेमिकल मार्कर होते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, एलडीएच और ग्लूटामेट, जो इस बीमारी में किए जाते हैं। इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव आया तो ये कैंसर का इंडिकेटर है। अगर जांच करने पर ऐसा पता चला कि आपकी गोली बड़ी हो गई है, कड़क हो गई है और उसके सेंसेशन कम हो गए हैं, तो आपके यूरोलॉजिस्ट आपको एक सोनोग्राफी की सलाह करेंगे और ये खून की जांचें भेजेंगे। अगर ये जांचें सस्पिशियस हैं या कैंसर की तरफ इशारा करती हैं, तो ये गोली निकालने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन के बाद सीटी स्कैन करना बहुत जरूरी है, इससे ये बीमारी की स्टेजिंग होगी। यहाँ पे ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है, अंत नहीं। इसके बाद एज पर द स्टेज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। ये बीमारी क्योरेबल है, इसका सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट 95-98% है। इसलिए अगर आप इस बीमारी के सिम्टम्स या साइन अपने शरीर में देखें, तो तुरंत कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात करें। धन्यवाद।